तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को, चलो बच्चों इस वाले सवाल को करते हैं। इसमें कहते हैं ऑब्जेक्ट मास एम है, ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास एम है, एंड स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस जो फ्रिक्शन है वो है ही नहीं, यहाँ पे जीरो है। एक्शन ऑफ द फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स है बेसिकली वो 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, कुछ एंगल पे लग रहा है, ये एंगल एक थीटा अननोन एंगल है, वी डोंट नो अबाउट इट। द इन द प्रोसेस ऑफ लीनियर मोशन द एंगल थीटा बिटवीन द फोर्स ऑफ एंड द हॉरिजेंटल वेरी, थीटा जो है यहाँ पर वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, थीटा एक वेरिएबल है, और इस थीटा की वैल्यू के सम कांस्टेंट और एक्स, एक्स क्या है, एक्स के इज ए कांस्टेंट, एक्स इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऐसे कुछ थीटा की वैल्यू वेरी कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो अगर काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन इतना है तो एन की वैल्यू कितना होगा, कुल मिला के हमें काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है इसका। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो थीटा है वो अगर हमें इसको रिजॉल्व करें, वेरिएबल है, तो सबसे पहले मैं इसके कॉम्पोनेंट करता हूँ, रिजॉल्व करता हूँ। तो अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो इस एफ का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा एफ कॉस थीटा, और एफ का एक कॉम्पोनेंट ऊपर आएगा जो होगा एफ साइन थीटा। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे, इधर तो कुछ है नहीं, इधर तो कोई फोर्स है नहीं, जीरो फोर्स है, फ्रिक्शन नहीं ले, तो यहाँ ऊपर में नॉर्मल भी तो आएगा मेरे भाई, और यहाँ पर वेट एम जी भी तो आएगी, बात समझ में आया। तो अगर ये देखोगे तो हॉरिजेंटल जो एक्स एक्सिस में जो फोर्स है वो केवल एफ कॉस थीटा है, और यही फोर्स इसको एक्सलेट कराएगा, दैट इज एम में। और वर्टिकल में जो अगर वर्टिकल इक्वेशन लिखोगे तो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू वेट एम जी के बराबर है, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। हालांकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बात आ रही है समझ में। तो अगर तुम देखोगे हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, थीटा वेरिएबल है, तो फोर्स एफ की वैल्यू तो 2 न्यूटन में रखूँगा, और यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू मैं के एक्स रखता हूँ, और एम सिंस एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सलेशन की वैल्यू भी डी वी ओवर डी एक्स रखा जाता है, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होगा, तो भी डी वी ओवर डी एक्स, बात आ रही है समझ में। तो यहाँ से तुम देखोगे तो फोर्स की वैल्यू अगर मैं 2 न्यूटन रख दूंगा तो इधर बचेगा के कॉस कॉस के एक्स डी एक्स, इधर बचेगा एम बाई टू और वी डी बी। अब प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी देखो, तो अगर तुम लिमिट की बात करोगे यहाँ पे, तो जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो थी, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं था, तो उस वक्त स्पीड कितनी थी, तो स्पीड जीरो थी, ऐसा बताया जा रहा है कि बॉडी रेस्ट से चल रही है। तो जब स्पीड भी हुआ तो उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एक्स हुआ, तो यहाँ से मुझे स्पीड निकल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन के एक्स अपान वेरिएबल, इसका इंटीग्रेशन साइन के एक्स अपान के, और इधर इंटीग्रेट करोगे तो एम बाई टू, और यह आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, और लिमिट जाएगा जीरो से भी, ये आ जाएगा भी, यहाँ लिमिट ये भी है, समझ रहे हो, और ये जो है वो एक्स है। यहाँ पर तुम देखोगे यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्लियरली यहाँ पर मैं देखो यहाँ पे ए एक्स हो जाएगा और ये आ जाएगा बी। तो फाइनली अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो साइन के एक्स अपॉन के, और एम की वैल्यू, मास कितना था, केजी था देखो, तो मास बेसिकली यहाँ से तुम देखोगे मास दिया होगा इन्होंने, मास अ बॉडी एम था, चलो मास एम था, तो ये एम बाई फोर यहाँ से आएगा और यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी दिखने लगेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगा वो साइन साइन के एक्स अपॉन के की वैल्यू, और 1/2 अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो इधर ब्रैकेट में बचेगा हाफ एम बी स्क्वायर, और 1/2, और ये हाफ एम बी स्क्वायर कुछ नहीं काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स साइन के एक्स
अपॉन के बराबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या पूछा था, तो यहाँ पूछा था कि यहाँ से जो है वो 2 साइन थीटा और यहाँ पर अपॉन के, तो n की वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगी। दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से n की वैल्यू 2 आ जाएगी। दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन, दिस इज़ द। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये सवाल, कि बहुत बेहतर सवाल था और एक अच्छा सवाल था, इसको जेई मेंस लेवल तक था ये ठीक ठाक। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखो।